इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली अकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। कहावत है कि मेरा भारत महान, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ये कहावत सत्य होती नजर आ रही है। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जब तक हमारे देश में हैं। जी हाँ, मामला ललितपुर जिले के पाली बाला बेहट राजमार्ग का है, जहाँ बरसों से इस मार्ग का पुराना पुल जर्जर हालत में हो गया था, जिससे यहाँ राहगीरों का निकलना मुश्किल था। अब ये पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इस पुल में किस तरह का बंदरबांट हुआ, यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी में कैद हुए कैमरे के जरिए। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मामला उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का है, जहां पाली बाला बेहट राजमार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही पुल को लेकर भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है ललितपुर जिले के पाली बाला बेहट राजमार्ग पर बनाई जा रहे निर्माणाधीन पुल में बालू की जगह लगाई जा रही है। पेसर अनुपयोगी डस्ट, शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत से बालू की जगह केसर से निकली अनुपयोगी डस्ट को बालू की स्थान पर प्रयोग कर शासन द्वारा आवंटित धनराशि का जमकर बंदरबांट किया जा रहा है। डस्ट और बालू की गुणवत्ता में बहुत अंतर है, यदि ऐसा नहीं होता तो शासन ही डस्ट को मान्यता दे देता और निर्माण में डस्ट के उपयोग की खुली छूट दे देता, पर मगर ऐसा नहीं है। आज भी लोक निर्माण विभाग में कार्य के लिए बजट आवंटित में बालू का ही बजट दिया जाता है, जो डस्ट के बजट से कई गुना अधिक है। कार्य के एस्टीमेट में बालू का बजट और निर्माण में क्रेशर से निकली डस्ट का प्रयोग विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ऐसा ही मामला पाली बालाहट बेहट मार्ग का है। इस सड़क के निर्माण में एक पुलिया व एक पुल निर्माण होना है। इस पुलिया का निर्माण कार्यग्राम वंसा बमहोरी के पास हो रहा है, लेकिन इसमें नए पुल में जहां बालू की जगह मात्र क्रेशर की डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बन रही पुलियों की गुणवत्ता और इसमें सवालिया लगना स्वाभाविक है। आइए जानते हैं ये पूरी रिपोर्ट में क्या है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।